जिस समय गुजरात के इस कार्य का दायित्व जनता जनार्दन ने मुझे दिया था 2001 में, तब गुजरात की रेवेन्यू डेफिसिट 6700 करोड़ रुपया थी, 6700 करोड़ रुपया रेवेन्यू डेफिसिट घाटे में राज्य कारोबार चलाता था। भयंकर भूकंप हुआ था, उसके पहले अकाल था, उसके पहले सुनामी का साइक्लोन का की समस्या आई थी, यानी एक के बाद एक अनेक आफतों से गुजरात गुजर रहा था। दूसरी तरफ माधुपुरा बैंक के कारण पूरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का सेक्टर संकट के घेरे में था, पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाए वैसे वो दिन थे। आप कल्पना कर सकते हो ऐसे समय मेरे सर पे जिम्मेवारी आई। ईश्वर ने कुछ मदद की, जनता जनार्दन के आशीर्वाद रहे, 6700 करोड़ की डेफिसिट से विकास की यात्रा को प्रारंभ किया। आज गुजरात रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। एक नया पैसा टैक्स नहीं बढ़ाया है, ताली इस पर बजनी चाहिए। दस साल में एक नया पैसा, नया टैक्स गुजरात में नहीं डाला है, उसके बावजूद भी करीब करीब 7000 करोड़ की डेफिसिट से आज बैलेंस के अंदर गुजरात की आर्थिक स्थिति को ले गए। हमारे यहां पावर सेक्टर पूरे देश में, आपका किसी भी राज्य का पावर सेक्टर देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लाखों करोड़ों रुपयों के घाटे में चल रहे हैं, कोई उसमें बाकी नहीं है। गुजरात में भी जब मैंने कार्यभार संभाला, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में घाटा था पर ईयर 2500 करोड़ रुपीस, 2500 करोड़ रुपयों के घाटे से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चलती थी, बिजली नहीं दे पाते थे। मुझे याद है जब मैं नया नया मुख्यमंत्री बना तो लोग मुझे मिलने के लिए आते थे, वो एक ही बात कहते थे, नरेंद्र भाई कम से कम शाम को खाना खाते समय तो बिजली मिले ऐसा करो। वो दिन थे, डिनर के लिए बिजली उपलब्ध नहीं थी, वो समय था। पिछले 10 साल में, अब मैं भी राजनीति में हूं, मेरे मन में भी कुछ करने के विचार होते हैं, तो पहले मेरे आगे वाले थे उन्होंने 2500 करोड़ का तो घाटा किया था, मुझे कुछ और करने का मन कर गया। मैंने बजट में स्कूलों की बिजली माफ कर दी, हॉस्टल के बच्चों के लिए कुछ रियायत दे दी, किसानों को कुछ रियायत दे दी, 900 करोड़ रुपया और हमने खर्च कर दिया, प्रति वर्ष 900 करोड़, यानी घाटा हो गया 3400 करोड़ का, ईयरली घाटा हो गया 3400 करोड़ का। लेकिन भाइयों बहनों, एक नया पैसे का टैरिफ नहीं बढ़ाया, एक नया पैसे का टैरिफ नहीं बढ़ाया, उसके बावजूद भी आज हिंदुस्तान में अकेला गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐसी कंपनी है जो मुनाफा करती है करीब 700-800 करोड़ रुपया। उस समय
शाम को खाना खाते समय बिजली नहीं मिलती थी, आज 2400 घंटे हर गांव में बिजली उपलब्ध है। मित्र, हिंदुस्तान के और राज्यों में बिजली जाती है वो खबर नहीं है, वो कभी न्यूज नहीं बनती। उनके यहां बिजली अगर आती है तो खबर बन जाती है। बस में ट्रेन में जाते हैं तो चर्चा करते हैं, यार देखो हमारे गांव में पिछले मंगल को आई थी, तो कहता अच्छा तुम्हारे यहां आई थी यार, हमारे यहां तो पिछले मंगल को भी नहीं आई। मित्रों, गुजरात में अगर बिजली गई तो खबर बन जाती है कि मोदी इतनी बड़ी बातें करता है, लेकिन फलाने गांव में शाम को 5 बजे 15 मिनट के लिए बिजली चली गई थी, मोदी जवाब दे, ऐसा होता है। मित्रों, ये कैसे हो सकता है? और अगर गुजरात में हो सकता है तो देश में नहीं हो सकता। यही सरकार, यही मुलाजिम, यही कानून, यही कारोबार, उसके बाद भी स्थितियां बदली जा सकती है। हिंदुस्तान के और राज्य भी अगर तय करें तो स्थिति बदली जा सकती है।